सभी भाइयों को बहने वाले की राम राम। तो भाइयों आज एक और नई वीडियो लेके आ गए आपके लिए। सबसे पहले आप ये देखते हैं प्रथम स्थान भैंसा बुग्गी दौड़ प्रतियोगिता दिनांक 12/11/2019 ग्राम दिराड़ी जिला मुजफ्फरनगर। तो अब आपको दिखाते हैं, ये देखें जी छोटा, देखें आज की जो वीडियो है बहुत ही चर्चित व्यक्ति की वीडियो है जी, उनसे आपको मिलवाते हैं। अब फिलहाल दिखाते हैं उनके पास कैसा जोटा है या कटड़ा है जो भी है, और कैसा उनका शौक फिलहाल चल रहा है। बहुत ही पुराने शौकीन है। तो चलिए तो देखें भाइयों, पहले आप इनके कटड़े देखें। एक कटड़ा तो ये है, ये घर का ही है जी। हाँ वो घर का ही बनना जी। तो देखते जी, हाँ ज्यादा नेड़ा बन रहा जी, उन्ना ही है जी ये तभी। तो देखे भाई, एक उन्ना बच्चा ये है, 21 महीने का है। अजी आपने तो झुट्टे बगाए अब तक। तो देखे जी बच्चा तैयार कर रहे हैं जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे शौक से तैयार कर रहे हैं आप। बच्चा देखे कितना अच्छा है। पहले एक बार बब्बई से परिचय कर लें, आपको मिलवा दें इनसे। हाँ अब जो शौकीन है मोड़ना चेत के, वो तो देख तो ही चेहरा पहचान ही जाएंगे। एक बार तो बब्बा जी को राम राम जी। राम राम भाई। एक बार अपना परिचय दे दे पहले। परिचय तो भाई यही है, दिराड़ी गांव। हाँ जी, जिला मुजफ्फरनगर। नाम और बता दे अपना। नाम मेरा पदमपुर। तो बब्बा जी आपका मोरना क्षेत्र में काफी नाम है जी, आप बहुत पुराने शौकीन हो। तो ये जो आप करडा दिखा रहे, ये घर का ही है आपके। और वो जो दूसरा बंदरा जी, इसे लाए थे आप, इसे खड़ा करियो एक बार। अच्छा तो गंगा जी कौन सा लेके जाओगे इनमें से आप? यो जागा। अच्छा यो जागा, गंगा जी के लिए आप इसे तैयार कर रहे। तो बब्बा जी आपको कितने टाइम होगा जी गंगा जी जाते हुए? अच्छा मान तो ली। हाँ जी, हम तो जब से मतलब जो सिमाड़ी हम तो कभी उके नहीं। अच्छा लगातार जा रहे हैं। लगातार जा रहे हैं। तो बाबा जी आपने तो झुट्टे भी बहुत बरत लिए होंगे। तो जैसे आप वो शील्ड में झुट्टा दिखाया जी आपका, ये झुट्टा कितने टाइम रहा आपके पास? 7 साल रहा। दो तो अच्छा जी, और उसी में पूरा काम कर देगा। तो बब्बा जी ये जो झुट्टा आपके पास 7 साल रहा, हाँ। इसका बहुत नाम रहा झुट्टे का, जब तक आपके पास रहा सिल्ले में भाग आए हो। तो मतलब गांव में जब तक वो झुट्टा आपके पास रहा, सीनियर रहा सबसे। तो उससे पहले भी आया कोई झुट्टा ऐसा जो मतलब बहुत आप? तो बहुत जब सिल्ले नहीं होते। अच्छा जब सिल्ले नहीं होते, तो मतलब लाइफ में बहुत बढ़िया बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ, बहुत सा मतलब झुट्टा ऐसा आया हो कि भाई उसकी याद आज भी आ जाती हो कि हाँ। याद तो कई झुट्टो की। अच्छा जी, जब 1700-1800 का झुट्टा आया, 1700-1800 का। हाँ जी है? तो ये तो अनुमान जी 1900 के दशक में जा लिया। हाँ, और जब वो झुट्टा 4200 का दिया था। अच्छा जी, दुगनी कीमत का ले गए थे मुमांगे पर। अच्छा जी, मुमांगे पे ले गए थे। इतना सोना, इतना बढ़िया था, भागने वाला हर सारी चीज। हाँ जी, अब तो ये YouTube वीडियो ऐसी चल गई, फेमस हो जा आदमी जरा सी देर में ही। पहले तो कुछ का। अच्छा जी, उस तो पहला और भी बहुत बढ़िया रहा झुट्टा, जो बस एक बार नु करना पड़ो, नु करना पड़ो। तो चल परे वो। हां एक पुठे पर नु। अच्छा, पूरे जोर लगा दो, कांटा पन दिन ज्यादा कभी। तो वो भी इतना छोटा का जरा होता। अच्छा जी, इसमें भी खाली में बिना भूखे का 8 मिनट हो जाता। बुग्गी में ही बगा करो ते। हाँ बुग्गी में बगा दे, बड़ी बुग्गी में। हाँ पिड्डे फिरक तो अब आए। तो अब पिड्डा ले आए। हाँ पिड्डा तो 6 साल से ला रखा है। अच्छा अच्छा, इसका कैसा लोगे पिड्डे? करडे के हिसाब से बम करवा रखी इसकी।
हाँ फिलहाल कड्डे के हिसाब से करवा रखी है। तो कड्डे को जो तैयार कर रहे हैं जी, इसे किस हिसाब से तैयारी लेकर चल रहे हैं आप? तैयारी बढ़िया ही तैयार करा जाएगा जी, फिर सिल्लों में ही बगाया जाकर। बस सिल्ला हो जा, कुछ हो जाओ फिर। अच्छा, जब एक बार तैयार कर दिया फिर कुछ हो जाओ। कुछ हो जाओ, हम तो देख पहला भी मतलब एक तो किसी को चैलेंज नहीं कराएगा। अच्छा जी, कभी भी, कभी भी इतना झोटा बढ़िया हो, कभी कभी किसी को मिलता तुझे आज के। हाँ, मैं वाली बात कभी नहीं आई, कोई कभी अलाउंस नहीं करवाया, कभी बरामदी नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी बिल्कुल, किसी ने कह दिया कि भाई झोटा भगा ले तो भगा दिया। बहुत बढ़िया जी, आपका शौक बहुत बढ़िया शौक है जी। और भाई वो तो लाग बाजी कुछ नहीं करेगी डॉक्टर साहब, अपनी खुराक पे भरोसा रखो बस। कोई ये जैसे दवाई वगैरह यूज हो रही है आजकल, ये ऐसा कुछ नहीं। तो देखे जी, बहुत बढ़िया बाबा जी का शौक लगा जी, किसी के साथ कोई मुंह नहीं मारना, कुछ नहीं, अपना बढ़िया खुआना है, तैयार करना है। तो मतलब पशु ऐसा रखा कि चार आदमी देख कर कहें कि यहाँ कुछ चीज है। तो बहुत बढ़िया लगा जी बाबा जी आपसे मिलके। तो सभी भाई बताएं बाबा जी का करड़ा कैसा लगा आपको, और धन्यवाद जी।